हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप बिना एंजियोग्राफी कराए कैसे पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, और ब्लॉकेज है तो उसका परसेंटेज कितना है। हार्ट हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ये एक पंप की तरह काम करता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट को खुद को काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। जब आप रेस्ट में रहते हैं, जब हार्ट को सबसे कम ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत रहती है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, तो हार्ट को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। आपको अपने हार्ट के ब्लॉकेज का पता करने के लिए तीन इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जब आप रेस्ट में रहते हैं तो आपके हार्ट को सबसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उस केस में यदि आपके हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी हैं, नली हैं, वो 10% भी ओपन हैं, यानी 10% आर्टरी से आपको ब्लड और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा। जब आप चलते हैं, फिरते हैं, तो आपकी कोरोनरी आर्टरी और नली 20% ओपन होनी चाहिए। 20% से जो ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, उससे आपका काम चल जाता है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, तो आपके हार्ट की कोरोनरी आर्टरी और नली 30% ओपन होनी चाहिए। 30% से जो ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, उससे आपका काम चल जाता है। अब इन तीन लाइन को ध्यान में रखते हुए आपके हार्ट के ब्लॉकेज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक 70% से कम वाला, दूसरा 70 से 90% वाला, और तीसरा 90% के ऊपर वाला ब्लॉकेज। पहले कैटेगरी है जो 70% से कम ब्लॉकेज वाली है। ऐसे वाले केसेज में जब आप रेस्ट में रहते हैं तो आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में भी ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, या फिर ब्लॉकेज है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है। सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज का मतलब है कि जितना हार्ट को डिमांड है ब्लड और ऑक्सीजन की, उतना उसको सप्लाई नहीं हो रहा, यानी उसका ब्लड फ्लो में रुकावट आ रही है, तो उस ब्लॉकेज को सिग्निफिकेंट बोलते हैं। नॉर्मली जो 70% से ऊपर का ब्लॉकेज है, वो सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होता है। तो इस कैटेगरी में हो सकता है या तो आपको ब्लॉकेज नहीं है, या फिर आपका ब्लॉकेज 70% से कम है, यानी 10% 20 40 50% 60% ब्लॉकेज हो सकता है। दूसरे कैटेगरी है 70 से 90% ब्लॉकेज वाली। जैसे ही ब्लॉकेज आपका 70% से ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो आपको रेस्ट के टाइम पे तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उस टाइम पे फिर आपको चेस्ट में भारीपन, जकड़न, पसीना आना, घबराहट होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो यदि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्लॉकेज हो सकता है, और ब्लॉकेज आपका 70% के ऊपर हो सकता है। अब यदि ये सिम्टम्स आपको चलने फिरने पे भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ब्लॉकेज 80% के ऊपर क्रॉस कर गया है। अब तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें ब्लॉकेज आपके 90% से ऊपर हैं। तो ऐसे वाली कैटेगरी में जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको सिम्टम आते हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, बाथरूम जाके आते हैं तो भी आपको सिम्टम आने लग जाते हैं, छाती में दर्द होने लग जाता है, दर्द लगातार बना रहता है, जिसको रेस्ट एंजाइना बोलते हैं। तो इस तरह आपको कितनी एक्टिविटी करने पर आपको सिम्टम आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप में खुद ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितना परसेंट ब्लॉकेज होने का चांस है। इस तरह आप अपने ब्लॉकेज का आइडिया लगा सकते हैं। ये कन्फर्म टेस्ट नहीं है। यदि आपको ब्लॉकेज है या नहीं, उसको कन्फर्म करना है, तो उसके लिए एक ही टेस्ट है, वह है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो एकदम करेक्ट जानकारी देता है। बाकी जो भी टेस्ट रहते हैं, वो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं कि ब्लॉकेज हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि आपको कोई भी एक्टिविटी करने पे किसी तरह का सिम्टम आता है, जैसे छाती में दर्द होना, भारीपन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके लिए जो भी उचित टेस्ट हैं वो करवाएं और पूरा ट्रीटमेंट लें। यदि आप चाहते हैं कि आपको ब्लॉकेज हो ही नहीं, तो आप कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे डेली आप रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करें, जिसमें आप वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, घर का हेल्दी बना हुआ खाना खाएं, जिसमें नमक, तेल, शुगर कम हो। तीसरा, किसी भी तरह की बैड हैबिट्स, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको अवॉइड करें, अपने वजन को बढ़ने न दें। चौथा, एक बार अपने रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनके टेस्ट करवाएं, और यदि इनमें कोई गड़बड़ है तो उनको कंट्रोल में करें। पांचवा, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें,
रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, योगा मेडिटेशन करें। यदि आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका पहले तो ब्लॉकेज होगा नहीं, यदि ब्लॉकेज है भी तो उसका प्रोग्रेशन बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेशन होगा और आपके हार्ट अटैक की या हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।